सामने भाई पार्टियां चालू हो चुकी है। ये छोटी स्कॉर्पियो है ना? हाँ छोटी स्कॉर्पियो। लो भाई ये ब्रिज में कुछ ऐसा सेटअप है भाई, ये दो जने इसमें आराम से सो सकते हैं भाई। अब लाइट वगैरह लगा के सारी मस्त बना दिया। क्या बनाओगे? 50 रुपए मैगी, 60 रुपए ऑमलेट। सामने भाई अपना कैंप लगा दिया है भाई, यहाँ पे चल दिया चिल्ला चिल्ला बना रहा भाई कपिल भाई। बढ़िया बर्तन धो रहे भाई दोनों भाई मिलकर आराम से, है ना? ओ भाई साहब, भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 11:15 आगे देख लो। और अभी बनाया भाई सैंडविच, ये देखो। और साइड में चलते बोन फायर अपनी अंडर द गाइडेंस ऑफ। तू एक गिलास दे मेरे को और थोड़ा सा जूस दे। केपीएल एक्सप्लोर हो चुका है, कैपेसिटी खराब। कैसे पिटी खराब हो गई इसकी यार? भैया क्या बोलेंगे ये कुछ अपना सेटअप था भाई। लाइट लाइट सारी बंद हो चुकी है और मैं कपड़े डेड। और मैंने पहली बार लिया ना आज, और देख लो मैं फिर भी बैठा हूँ। अच्छा हाँ भाई, बताओ नहीं बात पता नहीं भूल गया भाई ना, आज 2 रुपए पहली बार पहली बार वो भी यार। और देखो सबसे सेट जो सबसे पुराना खिलाड़ी है वो देख लो डेड, उसकी कैसे पिटी खराब हो गया। बाकी भाई पूरा फील ले रहे हैं ऊपर, देखो सामने पहाड़ दिख रहे होंगे आपको हल्के हल्के। वो चीज मेल्ट हो गई पता है, पहाड़ मेल्ट हो गई पता है, रात में पहाड़ दिख रहे थे। हाँ अब दिख रहे हैं, देखो कैमरे में पूरा दिख रहे हैं। अपनी मतलब पैकिंग चल रही है और अब देखो अब उठ के आया है। आई एम रेडी, आई एम बैक, आई एम रेडी टू गो टू बेड, टू गो टू बेड। भाई सो ही जा दोबारा, एक काम कर उसमें डाल बैग में। ठीक है अभी भाई सामान सारा समेट लिया है, देखो बढ़िया गो बाला की थी, सारा समेट समेट रहे हम। ये हो चुकी है सोने की तैयारी, ये सेटअप देख लो दोबारा एक बार। हाय गाइस बाय। कपिल के लिए सूट होगा, वो सो गया था ना। सुनो 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 मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे कैंपिंग कर लिया करो हफ्ते में एक आधी बार। यूं बता सोया सोया कब हूँ मैं कैंपिंग में? हम सारे अपना 2,000-1,500 लेके बैठे। लो भाई लो भाई टाइम हुआ है 12 बजे और 22 हो गया था अपना 10 बजे। अब अभी 22 हो गया, उठा है। हाय गाइस कर दे, कभी बोल दे हाय गाइस भाई, गलत बात है झूठ मत बोलो भाई। अपना कैंप तैयार हो चुका है देख लो, सामने कैंप पे सोएंगे वीरेन भाई, सोएंगे इग्निस में। और ये देखो कैसे लंगूर के घुस गए दोनों मस्त, ये देखो दोनों आराम से। आप पूरे आ गए इसमें? हाँ बढ़िया। अरे फोल्ड हो गई तो सोते हैं हम। पैर कहाँ गए आपके? अच्छा अरे वाह, ये देखो भाई ब्रिज में दोनों आराम से आ गए। भाई इसमें पानी डाल लू? अरे मैंने कहा भाई डाल दो इसको, ना ना रहने दो इसे, चलने दो इसको। अरे सोनो ना टेंट के अंदर बढ़िया है इसका सिस्टम। वो क्या कह रहे पता है, वो कह रहा है अगर 3 लाख व्यू आ गए ना तो अगली पार्टी मेरी ओर से। तो अब भाई 3 लाख व्यू तेरे आएंगे तो तू ही पार्टी देगा, हम थोड़ी देंगे। नहीं ऋषिकेश में वो भी यार मानो सुनो, हाँ ये एक बात सुनो, अगर मान लो तुम्हारे 3,000 व्यू है, इसका 1,500 है, मेरे 500 है ना, तो उसके बाद तुम्हें क्या लगता है हम दोबारा आएंगे? वही आएगा ना अगला जिसके 3 लाख आएंगे। वो दोबारा सो गया, वो जैसे वो दोबारा सो गया, उसने जो सामान की ऐड की थी उसकी उससे 5,000 लिए पहले, अब कह रहा 20,000। वो अगली बार यहाँ पे वीडियो डाल रहेगा ना उससे कहेगा, वो पता क्या कहेगा, छुट तेरे वहाँ पे कमरे जब करूँगा तो 20,000 देगा। मेरे को 20,000 चाहिए टेंट लगाने के, इसका सिस्टम ये है भाई। फिलहाल टाइम हो चुका है 7:21 सुबह हो चुकी है और अब उठ लिया है। अब चलते हैं भाई अपने टेंट से बाहर और बाहर दिखाते हैं आपको मौसम बढ़िया वाला। तो चलिए मस्त नींद आई भाई रात को ना, यहाँ पे हम सोए रात को लगभग 1 बजे, मज़ा आ गया भाई नाइट कैंपिंग करके।
और ये कैंपिंग अपनी साइट है गुड़गांव में ही। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा दोबारा से, अभी चलते हैं बाहर। ऊपर देखता है बर्फ जम गई। बर्फ जम गई, अच्छा स्नोफॉल भी होगा क्या यहाँ? अच्छा आज तो ना है, पर हाँ कल बहुत ही गाड़ी छत पर बर्फ जम गई थी। अच्छा जी, शीशा पे भी सही में टंकी इन पे सब भाई, गाड़ी स्टार्ट बहुत मुश्किल तो है। अच्छा इतनी ठंड है यहाँ पे? हैं इतनी ठंड है? सही कह रहा है, सही है भाई, ठंड है भाई यहाँ। याद है कैसे हो रहा, मौज मार रहे हैं, मौज मार रहे हैं भैया, ऐसे मौज मार रहे हैं। नीचे भी एक कम्बल, नीचे भी कम्बल है, इसके नीचे एयर वाला गद्दा है, फिर उसको पता ही हो मस्त ठंडा वही ना कहीं। तो मिलवाते भाई वीरेन भाई से, गड्डी में सो देते अपना बढ़िया। अरे कहाँ से आऊँ उस साइड से आ रहा हूँ, ये सही है अपना गाड़ी में सो जाए। एक्सप्लोर इंडिया वाले भाई, टी शर्ट गाँव में। हाँ भाई दिक्कत क्या आएगी, छोटा रख रखा भाई ना भाई, देख ले भाई कैसी नींद आई भाई, बढ़िया भाई। यार ये क्या नाम है, मतलब नाड़ ऐसी रहवा किस पे? अभी बैठा हूँ मैं सुपर होके। अच्छा हाँ ऊपर को होके कर रहा किया मैंने ना, थोड़ी पैर फीट और आगे हो जाएगी मेरी, मैंने की नहीं हुई अभी। अच्छा, मैं पहले बोल गया ना घर पे। अच्छा आज फिर कोई दिक्कत नहीं थी, और आगे हो जाएगी। मुझे नहीं लाई पूरा कैंपिंग, ये क्या है, क्या पानी का है, पानी का भी सही। तो साहब भाई गुड मॉर्निंग, मुझे नींद आई नहीं आई, असली मजा था भैया। मैं देखो चाय के साथ साथ और ये व्यू, अभी रेन भाई चाय के साथ साथ ऐसा व्यू मिल जाए तो असली मजा पहाड़ों वाला नहीं है बिल्कुल। देखो चारों तरफ से हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं। अभी भाई यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट्स। भाई इधर चल रही है अपनी पैकिंग, टेंट वेंट हटा रहे हैं अपना, और ये दिखाता हूँ, ये रात को बहुत मजे ले रहे थे ना, रात को मजे ले रहे थे है ना, रात की मजे अब सजा देख लेना, जो तुम वायरल कर रहे हो मैं सब कुछ वायरल कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे कभी ढूंढते डोलो भाई इसका, इसमें तो फेंक दो, खराब हो गए होंगे साइड में कहीं फेंक देंगे। ठीक है बढ़िया बढ़िया बर्तन धो रहे भाई दोनों भाई मिलकर आराम से है ना, यहाँ पे भी रख टिका फिलिप रखा है ना उन्हें। चलो भैया ढंग से धोना भाई, ठीक है भाई, मेरे को भाई सब दिक्कत नहीं है, अंकल भी हंस रहे हैं, मैं सबसे लास्ट में डालूंगा, सबसे लास्ट में कितनी प्यारी लग रही है, सबसे तगड़ा काम दिया है इन्होंने, सबसे तगड़ा काम है भाई। बाकी मौसम देख लो, चारों तरफ से खेत ही खेत है और ऊपर सामने पहाड़ है भाई,
लोकेशन बहुत प्यारी है वैसे ना, स्नोफॉल हो जाएगा आ जाए। लोकेशन बड़ी प्यारी है, बाकी सामने पैकिंग चल रही है अपनी, यहाँ पर चल रहा है टाइम लैप्स। वही सामान हो चुका सारा सेट, ये देख लो सारे सामान अपना गाड़ी में लोड कर दिया दोबारा से। और अभी देखो बारिश भी आनी शुरू हो गई है यहाँ पे, अभी बस थोड़ी देर में स्नोफॉल होने वाली है। गाड़ी कर दी स्टार्ट, अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं क्या प्लान आगे का। बाकी मस्त मज़ा आया भाई यहाँ पे कैंपिंग करने में ना, एक नंबर का मज़ा आ गया। ये दोनों सो गए थे भाई, भाई वापस हो गए थे गाड़ी में वीजा में, और वीरेन भाई सो गए थे भाई अपनी इंग्लिश में, हमने अपना कैंप लगाया था, हम कैंप में सोए थे। तो 31 तारीख तक अपनी गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी एक बार व्यू देख लो ये भाई, लाठी कैफे है सामने देखो, लाठी कैफे में हमने कैंप लगाए थे इनसे बात करके। आप बात करके इनसे बार्गेनिंग करके अपना लगवा सकते हो, और जो इसका चार्ज होता है वो है भाई मतलब अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, जैसे आप बंदे आओगे उस हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आपको बार्गेनिंग करके मतलब डबल रेट बोलते हैं, तो जितना बार्गेनिंग करके अपना करवा सकते हो उतना करवा लेना। बाकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी हमें वही लेपर ट्रेल पे, और ये कुछ खुरापाती करने की सोच रहे हैं, कीड़ा कुछ भी करवाया था अभी का। इस तो कीड़ा आएगा अपनी गाड़ी बैंड, और एक में गाड़ी उठा दी। अरे भाई काली रमन है ना, ऐसे उठा ले। अरे वाह, अब कुछ भी देर दे दी, 3-4 किलोमीटर के बराबर, 3-4 किलोमीटर के बराबर। कहाँ फंसाओगे, अच्छा ऊपर चढ़ा रहे हो क्या? ओ भाई साहब, शीशे ऊपर कर लो, शीशे ऊपर कर लो, शीशे ऊपर कर लो, कर मेरा चलेगा अंदर ही उजा सारी माटी, बैक करके फिर लो, इनको ऊपर चलाएगा ये, हो रहा है मिट्टी है पर, भाई साहब आपके लोग के, ओ भाई साहब, उड़ जाएगी, घुमा दो टायर। पीछे जाने तो पीछे मुझे कौन सी इनका अच्छी मूवी लग रही है। हाँ बस ऑफ रोडिंग व्हीकल ऑफ मारुति सुजुकी। ओ भाई साहब, ओ भाई आपके बात से नहीं चढ़ाई, देख लो भाई। अभी रुके थे कुछ खाने के लिए, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हमने यहाँ से पराठा वगैरह खा लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं भाई, सारे अलग अलग होकर निकलेंगे, मैं कपिल तो एक साथ जाएंगे, ये जाएंगे भाई फरीदाबाद काली रमन और भाई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों कमेंट करके मेरे को जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, चले भाई, चलो भाई, ओके ओके हिमाचल में जाओ, ऑल्टो पे लगवा करोगे, ऑल्टो 800, ओके भाई, ओके भाई, इसको भी लेके जाओगे साथ में? नहीं भाई, आप ले जाओ इसको, मेरे वाला पार्ट देगा इसको, ब्रेजा की सीट बहुत, हाँ बेड भी लगाए हुए हैं तूने। सही सोएगा पीछे बेड पे, अगली बार कैंपिंग पे सही लेके आऊंगा। हाँ फिलहाल कैंपिंग करके अपनी नाइट कैंपिंग करी थी हमने, सारा सामान लेकर ऊपर रख दिया, कैंपिंग करके आ गए थे, देख लो भाई घर में आने के बाद ऐसे फैलाना पड़ता सामान सारा। अब इसको सेट कर दिया सारा एक जगह है, सारा सामान कमरे में सेट हो गया। तो भाई बड़ी दिक्कत है, सारा सामान समेटना पड़ता है फिर गाड़ी में, ऐसे थोड़ी ना कैंपिंग होती है, बहुत मेहनत लगती है। तो भाई बाकी जो मतलब जिसके पास कम टाइम है, जो जाना नहीं चाहता बाहर मनाली साइड हिमाचल प्रदेश कहीं भी, मतलब कहीं भी कैंपिंग करने के लिए जाना नहीं चाहता, तो यहाँ पे भी अपनी कैंपिंग कर सकते हो आप। हमने दिखाया था भाई आपको गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में, कहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आया भाई हमको। एक दिन के लिए गए थे हम, कल रात को हम 6 बजे गए थे और आप भी गए, अभी फिलहाल कितना टाइम होना दिखा, लेकिन एक बार बताओ भाई कैंपिंग 12 बजे होना चाहिए, बिना कैंपिंग का सामान भी कैसे कैंपिंग करेंगे? हाँ ये तो है भाई, सामान होना चाहिए, कैंपिंग का सामान लिया भाई अपना, जिसके पास टाइम नहीं है देखो सामान तो लेके आओ अपना, भाई कैंपिंग का सामान जिसको चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नंबर दे देंगे जहाँ से हम लेते हैं वहाँ से ले लेना, उसकी वीडियो हमने बनाई रखी है, बाकी चैनल पे जाकर आप देख भी सकते हो भाई। तो काफ़ी मज़ा आया भाई हमको, तो काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस मिला, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और लोकेशन भी भाई बहुत प्यारी थी, पहाड़ भी थे, ऋषिकेश वाली फीलिंग थी बिल्कुल।
अपने बारिश भी आ गई थी सुबह सुबह, तो मजा आ गया भाई काफी, और रात को भी लेट सोए। तो दोस्तों कमेंट करके मेरे को जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।